भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बहन सुभद्रा को बताया कि रोज तुलसी में जल चढ़ाने से क्या होता है। एक समय की बात है जब सुभद्रा अपने मायके द्वारका में आई थी भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए। अपने पति अर्जुन के साथ वे दोनों एक विशाल रथ में बैठकर द्वारका में आए। तभी सुभद्रा बहुत अचरज में पड़ गई। उसने देखा कि उनके भाई श्री कृष्ण अपनी पत्नी रुक्मिणी के साथ तुलसी में जल दे रहे थे, तो सुभद्रा महल में ना जाकर अपने भाई के पास चली गई और उसने पूछा, भैया आप ये क्या कर रहे हो? क्या तुलसी का पौधा आपको इतना प्रिय है? तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हाँ बहन, तुलसी ही भगवान श्री हरि की प्रिया है। अगर हम तुलसी की पूजा रोज करते हैं और नित्य रूप से जल देते हैं तो हमारे सारे दुख और पाप दूर होते हैं, साथ ही हमें मृत्यु के बाद मुक्ति भी मिल सकती है। तब सुभद्रा कहती है, भैया क्या वाकई इस पौधे में इतनी शक्ति है? तब श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, हाँ बहन, मैं तुम्हें एक तुलसी की अत्यंत पवित्र कथा सुनाता हूँ, लेकिन इस कथा पूरा और ध्यान से सुनो, जो खुद भगवान शिव जी ने माता पार्वती को भी बताई है। प्रिय दर्शकों, इस कथा को आप भी सच्ची श्रद्धा से सुने और कमेंट में जय श्री कृष्ण और हर हर महादेव जरूर लिखें। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं, हे सुभद्रा, एक समय की बात है, अवंतिका राज्य में एक ब्राह्मण दाम्पत्य रहता है। वह भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था, किंतु उसकी पत्नी श्री हरि की भक्त थी। उन दोनों के बीच इस बात को लेकर हमेशा मतभेद होता था, लेकिन हर पति पत्नी की तरह उनके झगड़े में उस ब्राह्मण की पत्नी ही जीत जाती थी। ऐसे ही कुछ दिन बीतने के बाद ब्राह्मण किसी दूसरे गांव में एक पारायण कथा सुनाने गया था, किंतु जब वह वापस लौट रहा था तो बीच में ही किसी दो राज्य में घमासान युद्ध छेड़ था। वह ब्राह्मण किसी तरह से वह अपनी जान बचाते हुए अपने घर आया, लेकिन उसके पीछे पीछे एक सुंदर औरत भी घर पर आ गई और उसने उन दोनों ब्राह्मण पति पत्नी से घर में शरण मांगी। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं, हे सुभद्रा, असल में वह एक वैश्या थी जो सैनिकों की सेवा में रखी थी। उस राज्य का हर एक सैनिक उस पर बहुत अत्याचार करते थे तथा अपनी काम वासना को उससे ही पूरी करते थे, और वह स्त्री भी इस पाप में पूरी तरह से डूब गई थी। मित्रों, ब्राह्मण पति पत्नी स्वभाव से बहुत अच्छे थे। उन दोनों ने उसे अपने घर में ही रखा और अपनी बेटी के जैसा प्यार करने लगे। वह भी उनके साथ रहते रहते उनके बीच घुल मिल गई। वह भी ब्राह्मणी की तरह ही रोज तुलसी में जल देती थी, हर रोज पूजा पाठ करती थी। सारे मंत्र जप तप का ध्यान उसे भी धीरे धीरे हो चुका था। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं, हे सुभद्रा, ब्राह्मण हमेशा भिक्षा मांगने या किसी भी मांगलिक कार्य को करने के लिए घर से बाहर जाता था, इसलिए उसकी पत्नी और वह वैश्या ही घर में रहते थे। इसी तरह से उनका एक माह बीत गया। वैश्या अपना पुराना जीवन भूल चुकी थी। फिर एक दिन अचानक कुछ सैनिक उस वैश्या को ढूंढते हुए उसी घर आ गए और उसे अपने साथ चलने के लिए जबरदस्ती करने लगे, किंतु वे सैनिक तो दूसरे पड़ोसी शत्रु राज्य के थे, इसलिए उन्होंने जबरदस्ती करते हुए उन दोनों स्त्रियों को मार डाला और वे वहां से चले गए। प्रिय दर्शकों, फिर आगे ब्राह्मणी को स्वर्ग की प्राप्ति हुई और वैश्या को नरक में जाना पड़ा। जब उसे यमराज के दरबार में लाया गया तो उसके पापों को देखते हुए उसे राक्षसों द्वारा नोचने की और गर्म तेल में डालने की सजा मिल गई। उस वैश्या ने भी अपने पापों को जानते हुए सजाओं को स्वीकार किया और उसे भोगने ले लिए आगे बढ़ गई। किंतु जब राक्षसों द्वारा उसे खाने का प्रयास किया गया तो उसका शरीर सोने सा चमकदार बन गया, जिसे कोई भी खा नहीं पाया। फिर जब उसे तेल में डाला तो उसका शरीर जलने की वजह ठंडा पड़ गया। इस चमत्कार को दहते हुए यमराज सहित सारे यमदूत हैरान हो गए। तभी उस वैश्या ने भगवान श्री हरि का स्मरण किया। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं, हे सुभद्रा, तो भगवान श्री हरि स्वयं वहां प्रकट हुए और उनके साथ समस्त देवतागण भी वहां आ गए। मित्रों, उस समय भगवान श्री हरि ने यमराज और समस्त देवताओं को तुलसी को जल चढ़ाने का महत्व समझाया और कहते हैं, तुलसी के नित्य पूजन से एवं मंत्र जाप से व्यक्ति सभी पापों से मुक्त होकर वैकुंठ में जाता है। जो कार्तिक महीने में मुझको तुलसी पत्र अर्पण करता है वह 10,000 गौ के दान का पुण्य प्राप्त करता है। जो मनुष्य निसंतान हो वह पुत्रवान बन जाता है, रोगी रोग मुक्त हो जाता है और भयभीत मनुष्य भी निर्भय हो जाता है और पापी भी सभी पापों से मुक्त हो जाता है। जिस प्रकार से देवी लक्ष्मी से वैकुंठ को ऐश्वर्य प्राप्त है, उसी प्रकार से वैकुंठ में तुलसी के कारण ही पवित्रता प्राप्त है। पृथ्वी लोक पर जिस स्थान पर भी तुलसी का पौधा होगा उस स्थान पर कभी बुराई का वास नहीं होगा। वह स्थान सबसे अधिक पवित्र होगा जो मनुष्य जीवन में
केवल एक बार तुलसी को जल चढ़ाता है उसके सभी पापों का नाश हो जाता है। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं, हे सुभद्रा, संसार में तुलसी के समान पवित्र पौधा अन्य कोई नहीं है। जो स्त्री नित्य इसकी पूजा करती है वह सदा ही सौभाग्यशाली रहती है। जो मृत्यु के समय अपने मुख में तुलसी पत्र का जल पा जाता है वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर वैकुंठ के धाम जाता है। इस पौधे को विष्णु प्रिया भी कहा जाता है। तुलसी की नित्य प्रतिदिन पूजा करने से, तुलसी के पौधे में जल चढ़ाने से घर परिवार में दरिद्रता का वास नहीं रहता है। लक्ष्मी माता एवं विष्णु भगवान की कृपा बनी रहती है। विभिन्न कष्टों का निवारण होता है। घी के दीपक, धूप, सिंदूर, चंदन, नैवेद्य एवं पुष्प आदि से तुलसी की पूजा करने से सभी जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और व्यक्ति सुख समृद्धि को प्राप्त करता है। शास्त्रों के अनुसार जिन घरों में तुलसी का पौधा सदैव ही हरा भरा रहता है उस घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। अगर आपके घर में तुलसी है तो सुख शांति और समृद्धि के लिए तुलसी माँ को चुनरी अवश्य चढ़ानी चाहिए। अक्सर लोग घर में तुलसी का पौधा तो लगा देते हैं लेकिन उनसे यह गलती हो जाती है कि वे तुलसी माँ को चुनरी नहीं चढ़ाते हैं, जिसके कारण उन्हें तुलसी लगाने का शुभ फल प्राप्त नहीं हो पाता है। हमेशा ध्यान रहे कि तुलसी का पौधा चुनरी के बिना अधूरा होता है। तुलसी केवल एक पौधा नहीं है बल्कि वह देवी है, विष्णु पत्नी है, उन्हें हम अपनी माता मानते हैं। इसीलिए तुलसी को चुनरी अवश्य ही चढ़ानी चाहिए। आप तुलसी पर हरे रंग की, पीले रंग की अथवा नीले रंग की चुनरी चढ़ा सकते हैं। दोस्तों, कुछ लोग जाने अनजाने में तुलसी के पास ऐसी चीजें रख देते हैं जिससे तुलसी का अपमान होता है। तुलसी का पौधा बहुत ही संवेदनशील होता है। इसकी अच्छी तरह से देखभाल करनी पड़ती है तभी इसके शुभ फल प्राप्त होते हैं। इसीलिए तुलसी के पौधे के पास आपको अपने मुख से अपशब्द नहीं बोलने चाहिए। तुलसी के पास भूल से भी जूते, चप्पल अथवा झाड़ू पोंछा नहीं रखना चाहिए। इसे पाप माना गया है। जहां पर तुलसी का पौधा हो उस स्थान के आसपास थूकने से घोर अनर्थ होता है। तुलसी के पास जल से भरा हुआ पात्र भी नहीं रखना चाहिए। तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाने के बाद दीपक को वहां से हटा देना चाहिए, क्योंकि तुलसी के नीचे बुझा हुआ दीपक रखना अशुभ माना जाता है। जिस स्थान पर भी तुलसी का पौधा होता है उस स्थान को हमेशा ही स्वच्छ रखना चाहिए। इसीलिए नियमित रूप से तुलसी के पौधे का पास साफ सफाई का ध्यान रखें। तुलसी के पौधे में शिवलिंग और गणेश जी की प्रतिमा नहीं रखनी चाहिए। साथ ही तुलसी के गमले में अन्य किसी भी प्रकार का पौधा भी लगाना अशुभ होता है। तुलसी के पौधे के पास कपड़े भी नहीं सुखाने चाहिए, अन्यथा कपड़ों से गंदा पानी तुलसी के पौधे पर गिर सकता है। ध्यान रहे, तुलसी के पौधे को नाखून से नहीं तोड़ना चाहिए, इससे तुलसी का अपमान होता है। यदि तुलसी के पत्ते सूख कर गिर जाते हैं तो उन्हें कचरे में नहीं फेंकना चाहिए। उन पत्तों को आप तुलसी की मिट्टी में ही दबा दें। रविवार के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए और रविवार को तुलसी को जल भी नहीं चढ़ाना चाहिए। बाकी अन्य दिन नित्य बिना चुके तुलसी को सुबह जल देना चाहिए और शाम के समय एक दीपक जलाना चाहिए। अक्सर महिलाएं स्नान के बाद अपने बाल खुले रखकर ही तुलसी को जल देती हैं। ऐसा करना गलत होता है। महिलाओं को हमेशा ही अपने बाल बांधकर माथे पर सिंदूर लगाकर ही तुलसी में जल देना चाहिए। इससे तुलसी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। घर में तुलसी का पौधा लगाते समय ध्यान रहे कि आप इसके लिए गंदी मिट्टी का उपयोग न करें। तुलसी के पौधे के लिए शमशान की अथवा गंदगी वाले स्थान की मिट्टी का कभी उपयोग नहीं करना चाहिए। इससे तुलसी माँ रूठ जाती है और सूखने लगती है। तुलसी का पौधा कभी गंदे स्थान पर नहीं लगाना चाहिए, जैसे नाली अथवा बाथरूम के पास तुलसी का पौधा कभी नहीं रखना चाहिए, अन्यथा गंदा पानी तुलसी के पौधे में गिर सकता है जो बहुत ही अशुभ माना गया है। घर में तुलसी का पौधा कभी सूखना नहीं चाहिए। शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि तुलसी का पौधा सूखना अकाल मृत्यु की सूचना देता है। घर में तुलसी का पौधा सूख जाए तो घर की सुख समृद्धि खत्म हो जाती है। सूखी हुई तुलसी में माँ लक्ष्मी का वास नहीं होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार तुलसी का पौधा सूख जाए तो ये आने वाली किसी विपत्ति या दुर्घटना का संकेत होता है। इसीलिए तुलसी का अच्छे से ख्याल रखना चाहिए, उसे नित्य जल देकर हरा भरा रखना चाहिए। तुलसी में कभी भी किसी प्रकार के केमिकल नहीं डालने चाहिए, केवल खाद्य पदार्थ और गोबर का प्रयोग करना चाहिए। साथ ही इस बात का ख्याल रखें कि तुलसी में मकड़ी के जाले अथवा कीड़े नहीं लगने चाहिए, ऐसे स्थान पर लक्ष्मी वास नहीं करती है। शास्त्रों के अनुसार मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को तुलसी के पौधे में पानी नहीं डालना चाहिए और तुलसी को स्पर्श करना भी वर्जित है। तुलसी को बिना स्नान किए जल नहीं देना चाहिए और पैरों में चप्पल आदि पहनकर भी तुलसी को जल ना दे। तुलसी को जल देते समय ध्यान रहे कि वह जल आपके पैरों पर ना पड़े, इससे तुलसी का अपमान होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, नित्य तुलसी के दर्शन से
मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है और तुलसी पत्र के सेवन से उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी का पौधा हमेशा ही घर के सामने लगाना चाहिए। इसे पूर्व अथवा उत्तर दिशा में लगाना सबसे अधिक शुभ होता है। अगर तुलसी के गमले में दूसरे पौधे उग जाते हैं तो उन्हें समय समय पर हटा देना चाहिए। अगर तुलसी के ही अन्य पौधे उगते हैं तो ये पौधे दूसरों को दान में देने चाहिए। कहा जाता है कि जब घर में एक से अधिक तुलसी के पौधे अपने आप उगने लगते हैं तो घर में साक्षात माता लक्ष्मी का आगमन होता है। तुलसी के पास कभी कांटेदार पौधे नहीं रखने चाहिए, इससे तुलसी माँ रूठ जाती है। तुलसी के पास मरुस्थलीय पौधे रखना बेहद अशुभ माना जाता है। ऐसे पौधों से नकारात्मक ऊर्जा निकलती है। शास्त्रों में कहा गया है, जिन पौधों से हरी भरी कलियों की उत्पत्ति ना हो उसके स्थान पर कांटे निकलते हो, तो ऐसे पौधों को तुलसी के पास कभी रखना नहीं चाहिए, बल्कि मरुस्थलीय पौधे घर में किसी भी स्थान पर रखने ही नहीं चाहिए। इन पौधों के कारण घर का वातावरण नकारात्मक बन जाता है। जैसे कई लोग नागफनी का पौधा सजावट के नाम पर घर में रखते हैं, ऐसा करना बिल्कुल गलत है। नागफनी का पौधा तो गलती से भी तुलसी के पास ना रखे, ये तुलसी की संपूर्ण सकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर देता है। लेकिन शास्त्रों में केले के पौधे का विशेष महत्व बताया गया है। अगर आप तुलसी के पास केले का पेड़ लगा देते हैं तो आपको कई गुना अधिक लाभ प्राप्त होंगे। केले के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है। इसे तुलसी के पास लगाने से घर में सुख समृद्धि आती है। साथ ही जिस स्थान पर भगवान विष्णु का वास होता है वहां पर लक्ष्मी खुद चलकर आती है। दोस्तों, अगर आपको तुलसी के पौधे में शालिग्राम भी अवश्य रखना चाहिए। तुलसी के गमले में शालिग्राम रखने से तुलसी का और भी अधिक शुभ प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। शालिग्राम भगवान विष्णु का निराकार रूप माना जाता है। यह काले रंग का पत्थर होता है जिसे विलक्षण और मूल्यवान माना गया है। इसे अगर आप तुलसी के गमले में रखेंगे तो आपके घर से संपूर्ण नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाएगी। मान्यता है कि शालिग्राम में अल्प मात्रा में सुवर्ण भी होता है। ये पत्थर उत्तर की गंडकी नदी में पाए जाते हैं। इसीलिए अगर आप शालिग्राम तुलसी के पौधे में रखते हैं तो भगवान विष्णु के साथ आपको मां लक्ष्मी की भी कृपा प्राप्त होगी। आपके घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं रहेगी। अंतिम महत्वपूर्ण बात आपको बता दे कि तुलसी का पौधा कभी लालच में आकर नहीं लगाना चाहिए। तुलसी का पौधा लगाए तो उसकी नित्य पूजा करना आवश्यक है। अगर आप इन नियमों का पालन नहीं कर सकते हैं तो तुलसी का पौधा घर में लगाकर तुलसी माँ का अपमान भूल से भी ना करें। दोस्तों, फिर श्री हरि सभी देवताओं और यमराज को कहते हैं, हे धर्मराज, इस स्त्री ने तुलसी की पूजा सच्चे मन से की है, इसलिए इसके सारे पाप माफ हो जाते हैं। अकाल मृत्यु ही इसके लिए सबसे बड़ी सजा थी और यह स्त्री अब वैकुंठ धाम की सदस्य है। ऐसा कहते हैं कि उस वैश्या की आत्मा श्री हरि के अंदर प्रवेश कर जाती है और श्री हरि समेत सारे देवता भी अंतर ध्यान हो जाते हैं। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं, हे सुभद्रा, अब तुम समझ चुकी होगी आखिर क्यों तुलसी की पूजा करनी चाहिए। तब सुभद्रा कहती है, मैं भी हर दिन नित्य तुलसी की पूजा करूंगी। प्रिय दर्शकों, अब आप भी समझ चुके हो गए कि आखिर क्यों चढ़ाया जाता है तुलसी में जल। आशा करते हैं आपको ये कथा पसंद आई होगी। कमेंट में सच्ची श्रद्धा से जय श्री कृष्ण हर हर महादेव अवश्य लिखें। अधिक धार्मिक जानकारी के लिए हमारे अठराही पुरानों चैनल को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े रहें। आप सभी का धन्यवाद।